कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगा। इसमें जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, आज से क्रैश कोर्स का एक पहला डेमो वीडियो है और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, आप लोगों के हित को देखते हुए। क्योंकि अगर शिक्षा जो है यानी जो तैयारी है उबाऊ और बोरिंग होने लग जाए तो फिर सफलता के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा तड़का अगर आपकी तैयारी में लग जाए, थोड़ा इंटरेस्ट अगर आपकी तैयारी में जनरेट हो जाए तो फिर आपका ही हित इसमें। और ये जो क्लासेस हैं ये मैं हमेशा कहता हूँ, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया, ये दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, जो अलग अलग हमारे ज़िले हैं, रुद्रप्रयाग, जो बहुत दुर्गम इलाके में जो गाँव हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सुविधाएँ नहीं हैं बच्चों के पास, उन लोगों के लिए है। और जिसको चीज़ें आती हैं ज़बरदस्ती क्लास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। ना मेरा आप लोगों के लिए कमिटमेंट है कि ऐसा होगा, ना आप लोगों का मिल ले कि हम इससे ही पढ़ेंगे। आप लोग जाइए, दूसरी जगह जाइए, बहुत सोर्सेज हैं, सिर्फ उन लोगों को पढ़ने दीजिए जिसको इसकी जरूरत है। और ये जिंदगी का बहुत बड़ा सच है, चीजें वही गेन करता है जिसको जरूरत होती है, जिसको जरूरत ही नहीं है वो क्यों पढ़ेगा, एक बात खुद सोचिए, ठीक है। तो आप जितने भी देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप जरूरतमंद छात्र यहां पर पढ़ रहे होंगे और ऐसे छात्र इस चीज से दूर रहें जो ये कहें कि सर देख के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स में मुझे फैक्ट छांटने हैं। फैक्ट छांटने के लिए मुझे उत्तराखंड पढ़नी पड़ रही, उत्तराखंड के क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ रहे, इकोनॉमी यानी जीएस के अंदर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, हिंदी, यानी तीन पोर्शन को लेकर हम लोग आज साथ चलेंगे। और ये देखिए पैटर्न आपका क्रैश कोर्स का कैसा रहेगा, लगभग डेली 30-35 मिनट की आपकी वीडियो आएगी, 35-40 भी जा सकती है। इसमें हिंदी इंक्लूड होगी, इसमें जीएस इंक्लूड होगी और ये सारी की सारी एनसीईआरटी बेस्ड होगी, ठीक है। और इसमें उत्तराखंड भी इंक्लूड होगी जो किसी किताब से नहीं होगी, यानी बुक का कोई लिंक नहीं है इस उत्तराखंड में। मैक्सिमम जो चीज़ें होंगी ये अलग जगह से आपको मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी वो आपको बताऊंगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उन चीज़ों को देख के बताएंगे, ठीक है। ये डेमो क्लास है, ये तभी कंटिन्यू रहेगी जब आप लोगों को ये लगता है कि हाँ सर सही कर रहे हैं और आप लोगों के लिए कारगर सिद्ध हो रहे हैं। और मैंने पहले कहा ही जुआ है आप लोगों के लिए, एक प्रकार का गैम्बल आप लोग चल रहे हैं, हो सकता है इससे आपका काम बहुत बेहतर तरीके से बन जाए। उनके लिए तो फ़ायदा है ही है जिसने क्लासेस पढ़ी, उनको तो यही चाहिए, लेकिन जिसने पढ़ाई नहीं है कुछ, उनसे जो नए बच्चे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये नहीं कि डायरेक्ट यहीं घुस जाओ, ये देख रहे हो सही है, लेकिन अपना जो उत्तराखंड का कंटेंट मैंने कराया हुआ है, जीएस जो पढ़ाई हुई है, हिंदी जो पढ़ाई है, उसको पक्का पढ़ना। और जो सेकंड चैनल है स्टडी विथ योगेश 2.0, वहां तो आपका कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है। हम ऐसा नहीं कि हम ये लेके चले और कोर्स ही भूल गए, क्या पता एग्जामिनर क्या सोचता है, ये आपके लिए रिस्की है, जुआ है, चल गई तो आपकी नैया पार होने वाली है। आज की वीडियो का रिस्पॉन्स ही आपको ये बताएगा कि ये क्लासेस आगे कंटिन्यू रहेंगी या नहीं। क्योंकि जब मैंने जिला सीरीज शुरू किया था, मैंने तब भी कहा था, जिला सीरीज की पहली वीडियो जब मैंने देहरादून दी थी उसमें लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, कहा सर पढ़ाइए पढ़ाइए, तब जाके जिला सीरीज सफल हो सकी, यही चीज़ आज भी है। तो मैं आज खुद कहूँगा, हमेशा नहीं कहता, आज की वीडियो आप सभी लोग इसको अपने अपने स्टेटस पर शेयर कीजिए और वहाँ पर लिखिए 90-डे क्रैश कोर्स विद स्टडी विथ योगेश, ठीक है। इतना मेरे लिए करना पड़ेगा आज, और मैं हमेशा आपसे ये नहीं कहता हूँ, मैं सिर्फ तब कहता हूँ जब मैं कोई नया काम शुरू कर रहा हूँ। देखिए शुरुआत हम तीन चीज़ों को लेके करेंगे, इसमें हिंदी भी होगी, इसमें जीएस भी होगी, इसमें उत्तराखंड भी होगी, एक ही क्लास में, ठीक। तो हिंदी से देखो और चीज़ें सिलेबस वाइज होंगी। पहला क्वेश्चन लिखो, वर्ण कितने होते हैं, 44, और बहुत तेज पढ़ाऊंगा, ठीक है, बहुत तेज, खुद आपको देखना है। स्वर कभी पूछेगा, नहीं पूछेगा, 11, ठीक है। व्यंजन जो पूछेगा धीरे धीरे आएगा, क्योंकि पेपर ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन ही हार्ड बने, इस टाइप का नहीं होता है। 33, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक को क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर, और दूसरे को बोलते हैं दीर्घ स्वर। ये तो सभी को पता होगा ना, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में से कौन सा स्वर संयुक्त स्वर भी कहलाता है, दीर्घ स्वर। इस क्वेश्चन अगर आयोग पूछता है किन स्वरों को संयुक्त स्वर नाम से भी जाना जाता है, संयुक्त स्वर, तो आप आंसर दोगे उसको, दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनकी संख्या पूछता है 7, एग्जामिनेशन हॉल पे गए और एग्जामिनेशन हॉल पे इस खोपड़िया ने काम ही नहीं किया, मतलब क्वेश्चन पढ़ के गए रट्टा मार के दीर्घ दीर्घ दीर्घ, और वहाँ क्वेश्चन पूछ दिया संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो ये माइंड कभी कभी वहाँ पर हैंग हो जाता है, वो ऐसे ही क्वेश्चन में होता है, ठीक है। इनकी संख्या 7 होती है और बताने की जरूरत नहीं है कि स्वर कौन कौन से होते हैं, क्या व्यंजन कौन से हैं, ये नहीं बताऊंगा। ये आप संयुक्त स्वर जानते हैं क्या क्या होते हैं, मैंने कल ही कहा था स्टेटस में कि क ख ग घ आ ही पढ़ के आना। इसमें कौन कौन से होंगे लिख लीजिए, आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, आऊ। क्या क्या लिखना है, आ, बड़ी, बड़ा, उ, ए, आई, ओ, आउ, इसके अंदर लिखना है, ठीक। एक क्वेश्चन है, ये मात्रा किसकी होती है, ये मात्रा, ये होती है री की मात्रा, ठीक है। ये किस चीज की है,
री की मात्रा, अगर कभी क्वेश्चन में आता है ये मात्रा किस चीज की दिखाई हुई है तो ध्यान रखना है री की मात्रा है, ठीक है, ये वाली। बाकी तो आपको आ की आती है, ई की आती है, सब आते हैं। एक क्वेश्चन अगर कभी कभी पूछता है एग्जामिनर का माइंड जो चलता है, अंतस्थ व्यंजन के नाम पूछ देता है वो, अंतस्थ व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, ये क्योंकि क्रैश कोर्स है। य र ल व, य र, ये नीचे से हलंत भी लगाना है, ठीक है, हलचिन्ह ल व इनको बोलते हैं। और ये जो साइन दिखा रखा है ना, ये इसको बोलते हैं हल चिन्ह। क्या लिखोगे इसको, हल चिन्ह, ठीक है, इसको बोलते हैं हल चिन्ह बोलते हैं इसको, ये देखना है, ठीक है, हल चिन्ह बोलते हैं इसको, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ऊष्मीय व्यंजन, अब क्या होती है इनकी डेफिनेशन वगैरह, ये कोई इस जगह पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये पहले ही है कि कोर्स क्रैश है। अभी इसी में उत्तराखंड के क्वेश्चन, इसी में इकोनॉमी के क्वेश्चन देखेंगे को मिलेंगे। ऊष्मीय व्यंजन के अंदर आपको क्या करना है, तीन तो स आते हैं और साथ में ह आता है, ठीक है, एक कौन सा वाला सा आएगा, ये वाला जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, श्याम वाला, ठीक है, इसके अलावा दूसरा, तीसरा और चौथा ह। और इनमें से क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, इनमें से कौन सा ऊष्मीय व्यंजन का उदाहरण नहीं है, इसमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। अगला क्वेश्चन कभी कभी संयुक्त व्यंजन के भाई साहब के बारे में पूछ देता है, संयुक्त व्यंजन जो कि हमेशा से मोस्ट इंपोर्टेंट रहा है संयुक्त व्यंजन, इनके जो नाम है वो कौन कौन से हैं, एक तो श आता है, ठीक है, त्र, ज्ञ और स्र, ये जो होता है ये संयुक्त व्यंजन होते हैं क्योंकि ये एक दो मतलब एक से अधिक स्वर और व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजनों के नाम पूछता है और संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो कितनी हो जाएगी अपने आप में, चार इसका नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना है पेपर में इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। और ये किस किस से मिलकर बने ये तो हमेशा ही लगभग पूछता है, तो आपका जो श्या है वो क और स से मिलकर बना है। अगर आपको यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता, इस वाले पोर्शन पे शायद नहीं दिख रहा होगा आपको इसके पोर्शन पे, तो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, जस ये बनता है ये वाला श्या, किस किस से मिलके बना होता है ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछेगा, क प्लस ये वाला सा, ठीक है, इस पोर्शन पे तो शायद आपको दिख पा रहा होगा, अगर इधर भी नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा और इसको बाहर लिख देता हूं, ठीक है, इधर लिख देता हूं, ये बनता है बच्चों क प्लस, ठीक है, यानी उल्टा मैंने शायद इसको, हाँ क प्लस। दूसरा ये जो त्र लिखा है मैंने, ये किस किस से मिलकर बना है, ये वाला त्र, तो प्लस रो, ये क्वेश्चन आता है कि किस किस से मिलके बना है, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछेगा, तो प्लस रो। इसके अलावा तीसरा मैंने क्या लिखा है, ज्ञ लिखा है कि जो प्लस यो से मिलके बनाता है, ठीक है, ज प्लस यो, ये इससे मिलके बनाता है। और लास्ट में क्या लिखा है, स्र लिखा है, स प्लस र, ठीक है, ये मिलके बना है स प्लस र। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है और कौन सा संयुक्त व्यंजन किससे मिलके बना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किससे बना है, ये किससे बना है, ये वाला किस किससे बना है, ये किससे बना है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि किनसे बना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जब मैंने आपको कल लिखा था उसमें कि क ख ग घ पढ़ के आना, ये वर्ग होते हैं, यानी वर्ण के कौन कौन से वर्ग होते हैं, क वर्ग, इसके अलावा च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, फ वर्ग, जो भी होता हो, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। आपके क्वेश्चन जो अगला पूछ सकता है हिंदी के अंदर, आप ये नहीं कि जहां तक मैं इसको आज पढ़ा रहा हूं यहां पर ही एंड हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, एंड होता रहेगा, 90 डेज की क्लास है, सिर्फ और सिर्फ आपके डिपेंड करता है कि आप कितना उस पर रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं। कंठ के अंदर पूछेगा कौन सा शामिल है या नहीं है, ठीक है, तो आप लिख लीजिए कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, क्या ध्यान देने वाली क्या जरूरत है वो बताऊंगा अभी, ठीक है, दंत्य जहां किसी का ध्यान नहीं जाता, ओष्ठ्य। अब इसकी कोई डेफिनेशन वगैरह यहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी कि आप ये सोचेंगे सर इसकी परिभाषा पढ़ाएंगे ये वो, ये क्रैश कोर्स है, ये ऐसा ही देखा जाएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी रहती है एग्जाम में आने की। कंठ के अंदर क्या क्या आता है देखो, एक अ आता है, एक आ आता है, बाकी पूरा का पूरा क वर्ग, क वर्ग के अंदर क्या क्या आएगा, क ख ग घ ङ, इसको हाईलाइट कर लेना, तभी मैंने कहा कि क ख आने चाहिए, आपको नहीं आते तो फिर आपके लिए शर्म की बात है, ठीक है, ये क वर्ग इसी के अंदर आएगा। इसके बाद जो आता है आपका विसर्ग, यानी इसके अलावा एक और चीज आती है जो विसर्ग वाले होते हैं, अह वाला, जैसे अंक अह ये होता है ना, ये इस टाइप की चीज, तो ये इसी के अंदर आएंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है इनमें से किसको ये कंठे के अंदर सम्मिलित किया गया है, तो आप ध्यान रखना अ आ विसर्ग के साथ पूरा का पूरा क वर्ग। सेकेंड आता है आपका तालव्य, तालव्य इसी के आगे बढ़ाओगे, ई ई, इसके साथ पूरा का पूरा कौन सा वर्ग आएगा, च वर्ग, च छ ज झ ञ वाला, ठीक है, च वर्ग, चौके जितने हैं वो पांच के पांच इसके अंदर आएंगे। और चौ के बाद जो अगला आएगा वो य और स आता है, ठीक है, प्लस य क
कमा सा, ये किसके अंदर आएंगे अपने आप में, तालव्य के अंदर। तीसरा आता है बच्चों मूर्धन्य, मूर्धन्य के अंदर री आता है। कभी अगर ये पूछता है कि री या रू किसके अंदर आता है, तो हमेशा ध्यान रखना है री या रू किसके अंदर आता है, मूर्धन्य के अंदर। साथ ही साथ पूरा का पूरा ट वर्ग आएगा, ट ठ ड ढ ण वाला, ठीक है, ट वर्ग को हाईलाइट करना। साथ में र अस र कमा सा, ये किसके अंदर आएगा अपने आप में, मूर्धन्य के अंदर। इसके बाद जो अगला आता है दंत, दंत के अंदर एक ल, ल के साथ ई की री की मात्रा आती है। फिर पूरा का पूरा तौ वर्ग को हाईलाइट कर लेना, और साथ ही साथ ल और सा, ल प्लस कमा सा, ये किसके अंदर आएंगे अपने आप में, दंत के अंदर आएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है ओष्ठ, ओष्ठ के अंदर उ साथ में बड़ी उ और पूरा का पूरा पौवर्ग, पौवर्ग को हाईलाइट करना, प फ ब भ म, ठीक। अब देखिए कभी क्वेश्चन आएगा प फ ब, जैसे ब और भ आ गया, किसके अंदर सम्मिलित हो गए, ओष्ठ के अंदर। त वर्ग का कोई वर्ण दे दिया आपको, त थ द ध कुछ भी दे दिया, किसके अंदर आएंगे, दंत के अंदर। और ये किस आधार पर कैटेगराइज किए जाते हैं आपको ये यहाँ पर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज देखनी है नासिक के, यानी क्या लिखना है, नासिक के अंदर कौन कौन से आएंगे, देखिए नासिक के अंदर कौन कौन से आएंगे, ये सब सेलेक्ट किए गए हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन। नासिक के अंदर अंक और औ, एक तो अंक आता है तो, दूसरा ये आता है जीरो बिंदु वो लगा देना, ठीक है। इसके अलावा ङ, इसके अलावा ण, न, म, ये किसके अंदर आएंगे अपने आप में, नासिक के अंदर। इसके अंदर एक बात आता है कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य का मेल, ये इंपॉर्टेंट कर देना, कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य दोनों का जो मेल है वो आता है ए ए और आई, ए आई, ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान में रखने होते हैं। इसके बाद एक आता है कंठोष्ठ, कंठ प्लस ये ओष्ठ, ठीक है, कंठोष्ठ बोलते हैं इसको, लिखो कंठोष्ठ। कंठोष्ठ के अंदर किसको सम्मिलित करोगे आप लोग, ओ और आउ को, ओ प्लस आउ को, ये किसके अंदर सम्मिलित करोगे, कंठोष्ठ के अंदर। इसके बाद आता है दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, इसके अंदर सम्मिलित करोगे आप व को। ये आपका रट्टा मार है, इसको आज आपने रट देना है, आज ही रट देना है। जो पढ़ा है आपने सही है वो तो बढ़िया है। अब ये नहीं कि यहाँ पर वर्ण वाला चैप्टर सर ने खत्म कर दिया, आप कुछ नहीं आएगा, दो चार क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट और आएंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक और चीज आती है अनुस्वार, किसको कहते हैं, अंक को अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार जिसके अंदर अंक होगा, ठीक है, अ के ऊपर छोटी सी बिंदु, इसको अनुस्वार बोलते हैं। एक विसर्ग तो आपको सभी को पता होगा, विसर्ग किसको बोलते हैं, अह को, अंक अह, ये होता है ना ये वाली मात्रा, दो बिंदु, इसको बोला जाता है विसर्ग, ठीक है। तो अंक अनुस्वार किसको कहते हैं, विसर्ग किसको कहते हैं, ये जब पेपर में छांटने के लिए आपको आएंगे तो आप बहुत इजीली इनको क्या करोगे, कर पाओगे, ठीक। इसके बाद अनुनासिकता का एक चिन्ह होता है, कौन सा चिन्ह अनुनासिकता है, अनुनासिकता कौन सा चिन्ह अनुनासिकता है अगर पूछेगा तो आपने देखा होगा ना ये, इसके ऊपर एक बिंदु होता है चांद बिंदु जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुनासिकता। तो अगर कभी क्वेश्चन एक शब्द दे दिया इनमें से किस शब्द में अनुनासिकता चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो अब ध्यान रखना कि ये वाला जो साइन होगा अनुनासिकता का होगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपको ग्रहित स्वर, कि कौन सा स्वर ग्रहित स्वर कहलाता है, ग्रहित स्वर, हाँ स्वर व्यंजन नहीं, ग्रहित स्वर, ग्रहित स्वर के अंदर आपका जो सम्मिलित है वो जहां पर ऐसी वाली मात्रा होगी, सिर्फ ये, यानी इसके ऊपर आपका ऐसा होगा कोई चांद नहीं होगा, तो ये वाला जो चिन्ह होगा ये किसका होगा, ग्रहित स्वर का। इसके अलावा जो अन्य आते हैं वो क्या क्या आते हैं, ख, ख के ऊपर नुक्ता चिन्ह, नीचे ज, ज के नीचे भी नुक्ता चिन्ह, और फ के नीचे भी नुक्ता चिन्ह, ये सबके सबके हैं अपने आप में ग्रहित स्वर जो कि हमने लिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहुत होशियार बनते हो, बहुत विद्वान बनते हो, पेपर में आ गया घोष वर्ण की संख्या कितनी है, घोष वर्ण की संख्या कितनी होती है, 30 के समथिंग, एक बार काउंट कर लेना इसको, 30 होते हैं घोष वर्ण। इसके अंदर किस किस को सम्मिलित किया जाएगा, सभी स्वर, सभी स्वर, शायद इसमें री या रू वाला नहीं आएगा, बाकी 10 आएंगे, ठीक है। सभी स्वर यानी घोष वर्ण की संख्या पूछता है 30, कौन कौन से होंगे, एक तो सभी के सभी इसमें क्या होंगे, स्वर होंगे, प्लस क और चौर वर्ग, सभी वर्ग के जो अंतिम वर्ग के अंतिम तीन होते हैं, जैसे आपने क्या बनाया, क वर्ग, च वर्ग, ठ वर्ग, ऐसे बनाया ना, तो लिखो सभी वर्ग के, सभी वर्ग के अंतिम तीन वर्ण, अंतिम तीन वर्ण, यानी सभी वर्ग कौन सा हुआ, जैसे क वर्ग, च
च वर्ग इस टाइप का था ना, ख ग घ ङ च छ झ ञ ट ठ ढ ढ ण वाला, तो ये सभी वर्ग के अंतिम तीन। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, इनमें से कौन सा एक घोष वर्ण का एग्जांपल है, ऑप्शन आ गया क ख ग, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर ग होगा। क्यों? क्योंकि सभी वर्ग के अंतिम तीन वर्ण, अब आपको ये खुद तैयार करने होंगे अंतिम तीन वर्ण कौन से होते हैं। तो पांच वर्ग हो गए, पांच और तीन 15 हो गए, और सभी स्वर 10 स्वर आ जाएंगे, 11वां री को छोड़ देगा, ठीक है, तो 25 हो गए। इसके बाद जो आता है य र ल व ह, य र ल व और ह, ये क्या आता है आपका घोष वर्ण के एग्जाम्पल हो गए। घोष वर्ण की संख्या, सभी स्वर आएंगे, सभी वर्ग के अंतिम तीन आएंगे, तीन कौन कौन से पेपर में छांटने को आएगा, तो ध्यान रखना कि क ख ग घ के लास्ट के तीन, च छ झ झ के लास्ट के तीन, ऐसी इसी प्रकार के। इसी के साथ एक बच्चों आता है अघोष वर्ण, कौन सा आता है अघोष, सघोष के साथ अघोष आता है, जिनकी संख्या 13 होती है, अघोष वर्ण की संख्या पूछेगा पेपर में तो 13 होती है, क्योंकि माइंड काम नहीं कर पाता वहां पे, ठीक है, कुल 13 होती है। और इसमें क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा, क्या लिखोगे इसमें, 13 कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला व तीसरा, प्रत्येक वर्ग का प्रथम यानी फर्स्ट व सेकेंड द्वितीय, देखो क्योंकि यहां अंतिम तीन तो यहां आ गए, जो बचे फर्स्ट और सेकंड बचे वो यहां आगे, तो अघोष वर्ण में आ जाएगा, तो 5 × 10 तो ये हो गए, इसके अलावा 3 × 3 स आएंगे, सौ और 10 और 3 कितने हो गए, 13 हो गए, तो अघोष वर्ण की संख्या भी पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी और आती है अल्पप्राण, अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना सभी वर्ग के पहले तीसरे और पांचवें को अल्पप्राण बोला जाता है, इसके साथ य र ल व भी अल्पप्राण आ जाता है, देखो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, ठीक है, कौन से, सभी वर्ग के, यानी जैसे सभी वर्ग के क ख ग घ ङ के पहला वर्ग, जैसे क ख ग घ ङ आएगा तो उसमें अगर पेपर में आ गया अल्पप्राण कौन सा है, एक तो क होगा, फिर ख नहीं होगा, फिर ग होगा तीसरा, फिर घ नहीं होगा ङ होगा, ठीक है, ये पहला तीसरा पांचवा, इसके साथ 3 × 3 स, ठीक है, 3 × 3 स नहीं, य र ल व अंतस्थ वाला, य र ल और व, एक ये देख लेना अल्पप्राण किसको कहते हैं, और लास्ट में इसके साथ साथ सभी स्वर प्लस सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं ये इसके अंदर सम्मिलित हो जाएंगे, ठीक है। और साथ में लास्ट जो आता हुआ था महाप्राण, ये अल्पप्राण था महाप्राण, देखो पहला तीसरा पांचवा तो कवर हो गया, तो बचा कौन सा, दूसरा चौथा, देखो सेकेंड प्लस फोर्थ किसके, सभी वर्ग के, सभी वर्ग के दूसरे और चौथे, ठीक है, वर्ग समझ जाना, ये सभी वर्ग के लिखा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमें ये नहीं आता है, ठीक है। इसी के साथ जो 3 × 3 स है और उसके साथ ह, ठीक है, स स स प्लस ह, ये जो आएगा आपका महाप्राण। तो किसी भी केस में अल्पप्राण छांटना आएगा, गलत नहीं होना चाहिए, महाप्राण पूछेगा गलत नहीं होना चाहिए, अनुनासिकता स्वर पूछेगा कौन सा होता है नहीं होना चाहिए, ग्रहित क्या होता है, घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, ये सब के सब आपके क्या होने चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। ये था आपका हिंदी का डेमो का पहला क्लास, ठीक है, जिसके अंदर मैंने अभी पूरा खत्म नहीं किया, ये नहीं कि ये खत्म हो गया और होगा सब सिलेबस के अकॉर्डिंग। तुरंत जैसे आप इकोनॉमी आओगे, अब आयोग को लगता है कि यार मैं एनसीईआरटी बहुत विद्वान हूं, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन इनसे बहुत पूछता हूं, तो हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी को भी आधार बना के चलेंगे, ठीक है, तो क्यों ना हम एनसीईआरटी का कोई एक चैप्टर खत्म कर ले। तो देखिए अब ये क्या था, जैसे कई लोगों को ये आती होंगी चीजें, अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे यार क्या क्रैश कोर्स है, वही तो पढ़ा रहे हैं सर, बच्चों पेपर में वही चीज़ें आती हैं, हम खुद गलत करके आते हैं, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हार्ड पढ़ाई जाए, पता लगा 90 डे का क्रैश कोर्स का उन बच्चों को इतना बड़ा नुकसान हो गया जिसने पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं आया पेपर में, क्या कर लोगे, इसमें पेपर तो बैलेंस से बनता है ना, वर्ण वाला चैप्टर दिया है तो चैप्टर तो वर्ण से ही आएगा ना, क्वेश्चन क्या आएगा वहाँ से बताओ। तो ये नहीं कि क्रैश कोर्स था वर्ण सर ने खत्म कर दिया, कुछ भी आ सकता है नेक्स्ट क्लास में उसी चैप्टर से छांट के, ठीक है, ये मेरा कमिटमेंट है कि आपको, कमिटमेंट तो क्यों करूं, खैर आप लोगों का कोई भरोसा नहीं, कोई कोई कभी कभी मुझे लगता है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्वार्थी भी हो जाते हैं, खैर सभी नहीं है, कुछ होते हैं ऐसे अपवाद तो हर जगह होता है। तो जैसे हमने ये पढ़ा, अब मेरा मन किया यार आयोग इनसे हिंदी नहीं पूछता है, जैसे हम पेपर वहाँ एग्जाम में गए पलटाया तो हिंदी के बाद खोपड़िया खराब कर दी किसने, जीएस ने, और जीएस सर इकोनॉमी पढ़ाई इकोनॉमी से ही हमारा भला होगा, तो मैंने भी कहा यार एनसीईआरटी इनको पढ़ानी चाहिए, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं, तो अगला जो आपने बनाना है ये होगा, आप लोग जैसे कई बच्चे सोच रहे हैं कॉपी कैसे बनाएं क्या करें, जिसको जो क्वेश्चन आता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वरना एक रजिस्टर ले लो, क्रैश कोर्स विद स्टडी विद योगेश कर लो, डे वन लिखना, उसी के अंदर सबसे सम्मिलित होंगे, हिंदी भी उसी के अंदर, इकोनॉमी भी, मतलब जीएस
केस भी उसी के अंदर उत्तराखंड भी। तो पहला क्वेश्चन देखो, वस्तु प्लस सेवा उत्पादन हेतु क्या आवश्यक है। क्वेश्चन कैसे आएगा, इनमें से वस्तु प्लस सेवा उत्पादन हेतु आवश्यक, उत्पादन हेतु आवश्यक, ठीक है। यानी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन जब आप करोगे उसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, तो ध्यान रखना भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, ठीक है। इसके अलावा आप नहीं कर सकते हो वस्तु और सेवा का उत्पादन, अगर ये नहीं, भूमि होगा, लैंड होगी, श्रम लेबर होगा जो वर्क करेगा, भौतिक पूंजी होगी, भौतिक पूंजी मतलब मशीनें जैसे होगी, मकान हो गया, औजार हथियार वगैरह जो भी है, ठीक है। मानव पूंजी यानी अगर अच्छा मानव नहीं है, जिसको माइंड नहीं है, कंप्यूटर नहीं चला सकता, तो कैसे उत्पादन करेगा, ठीक है। तो ये लेबर का होना भी बहुत जरूरी है। श्रम और मानव पूंजी में क्या अंतर है, श्रम तो शारीरिक बल के आधार पर वर्क करता है, जबकि मानव पूंजी एक माइंड से काम करती है, उसको कंप्यूटर आता होगा, उसका इंजीनियर होगा, दिमाग होगा, तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं। तो क्वेश्चन कैसे आता है, निम्नलिखित में से वस्तु और सेवा उत्पादन हेतु क्या आवश्यक है, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, उपयुक्त सभी, जो भी आएगा तो ऑल अबव होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक भौतिक पूंजी का एग्जांपल है, इनमें से कौन सा एक भौतिक पूंजी का एग्जांपल है, ठीक है। यानी भौतिक पूंजी किसके अंत क्या क्या आएगी, इसके अंत का औजार लिखो, क्या क्या लिखोगे, औजार, कुछ भी औजार हो सकता है जिससे उत्पादन करते हो, प्लस मशीन लिखोगे, जेसीबी की मशीन भी आ जाएगी आपकी, ठीक है। प्लस मकान या भवन लिखोगे, क्या लिखोगे, भवन, क्या लिखोगे, भवन। इसके बाद क्या लिखोगे, कच्चा माल, रॉ मटेरियल होना ही चाहिए, कच्चा माल ही नहीं होगा तो काहे का उत्पादन करोगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा, जो पैसा होता है यानी नकद मुद्रा होगी, यानी नकद मुद्रा, नकद मुद्रा, ये आदि कर दो, ये सबके सब क्या कहलाते हैं, भौतिक पूंजी का एग्जांपल। तो ध्यान रखना औजार, मशीन और भवन को जो मिला के बनता है इसको बोलते हैं स्थायी पूंजी, ठीक है। तो लिखो औजार, मशीन और ये भवन, इनको सबको तीनों को क्या बोलेंगे, स्थाई पूंजी। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि एक बार आपने यूज किया फेंक दोगे, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई औजार है, अब ऐसा थोड़ा कि एक दिन उत्पादन किया फेंक दिया, या किसी मशीन को है, तो अगर कभी क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा एक स्थाई पूंजी का एग्जांपल है, तो ध्यान रखना औजार, मशीन और भवन स्थाई पूंजी के एग्जाम्पल है। जबकि जो कच्चा माल और नकद मुद्रा है, कच्चा माल और नकद मुद्रा, इसको बोलते हैं बच्चों कार्यशील पूंजी, जो कार्य करने के बाद खत्म हो जाती है, कार्यशील पूंजी। पेपर में अगर पूछता है इनमें से कौन सा कार्यशील पूंजी है, तो तुरंत बता दोगे। तो ध्यान रखना आपको कार्यशील पूंजी के अंदर क्या आएगा, जो आप उत्पादन के काम में जिसको लगाओगे और आपकी वो चीज एंड हो जाती है, तो कार्यशील पूंजी। जबकि स्थायी पूंजी में जो परमानेंट रहती है, लंबे समय के लिए उत्पादन का काम करती है, फिर वो खराब होगी जो भी होगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा उत्पादन के कारक लिखो आप लोग, फैक्टर जिससे आप उत्पादन करते हो, उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक तीन चीजें होते हैं, भूमि, श्रम और पूंजी, इनके बिना उत्पादन नहीं होता है, भूमि, श्रम, पूंजी। और क्वेश्चन क्या आएगा, इनमें से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है, भूमि, श्रम, पूंजी, और कोई अलग ऑप्शन देगा तब आपको तुरंत क्या आ जाएगा, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपने ये करा, अब जैसे आप नाइन्थ चैप्टर, नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी पढ़ोगे इकोनॉमी, तो वहां पर थोड़ा सा इन्हीं के बीच एक शब्द दिया है, हरित क्रांति, ठीक है। तो लिखो भारत में हरित क्रांति, हरित, ग्रीन रेवोल्यूशन, भारत में हरित क्रांति से मुख्यतः किस चीज का उत्पादन बढ़ा था, मुख्यतः किस चीज का उत्पादन बढ़ा था, गेहूं प्लस धान, इनका क्या हुआ था, उत्पादन जो होता इनहेंस यानी क्या हुआ था, बढ़ा था, यानी उत्पादन जो हरित क्रांति है गेहूं और धान के लिए वो ज्यादा कारगर हुई। और हरित क्रांति का विश्व में जनक किसको कहा जाता है, ये तो आता ही होगा, नॉर्मल बोल लो भारत में स्वामीनाथन, ये तो सब आते होंगे ना, नहीं आते तो सर्च करके लिख लेना, क्वेश्चन खुद ही बता दूं। अब इतना तो आना ही चाहिए यार, विश्व में जनक किसको कहा जाता है, हरित क्रांति का विश्व जनक किसको कहा जाता है, विश्व में जनक, नॉर्मल बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मल बोरलॉग को कहा जाता है। और इसी के अंदर आपको ये कंफ्यूज भी हो सकता है कभी कभी, दुग्ध उत्पादन वाला, ठीक है, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन अलग है, ये नॉर्मल बोरलॉग अलग है, ये दोनों अलग हैं, जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक, ये क्वेश्चन खुद ही सेलेक्ट कर लेना, अब इतना नहीं बताऊंगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है ये तो कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हो, विश्व में जनक किसको कहा जाता है ये तो खुद ही कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, इतना तो आना चाहिए। अगला, जो हरित क्रांति है इससे के जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हरित क्रांति का भारत में क्या बदला, हरित क्रांति से क्या हुआ। इस हरित क्रांति में एक चीज याद रखना, उच्च उत्पादकता वाले बीज का प्रयोग किया गया, पहला पॉइंट लिखो उच्च उत्पादकता वाले, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन,
उच्च उत्पादकता वाले बीज, यानी एक ही बीज से अधिक का क्या होगा उत्पादन, इसको बोलते हैं हाई एच वाई वी, हाई यील्ड, ठीक है, तो इसका उत्पादन किया गया। दूसरा, इसमें कीटनाशक वगैरह का अच्छा खासा प्रयोग हुआ था। इसमें लिखो ये सर्वाधिक जो फायदा हुआ किसको हुआ, यानी फायदा हुआ था आपका पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, लिखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन कैसे आता मैं आपको बताता हूँ। हरित क्रांति से निम्नलिखित में से जो ज्यादा फायदा हुआ प्रथम हरित क्रांति में किन राज्यों को हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन राज्य हैं जिनको बहुत अधिक इससे क्या हुआ था, फायदा हुआ था। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है इनमें से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र का एग्जाम्पल है। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को ही क्या बोला जाता है, कृषि क्षेत्र, ठीक है, कृषि क्षेत्र बोला जाता है। और इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज आएंगी लिखो, कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन, मुर्गी पालन, ये प्राथमिक क्षेत्र के हैं, ठीक है, ये खुद आना चाहिए आपको। जैसे कृषि है, वानिकी, फॉरेस्ट्री, कृषि के अलावा क्या आ जाएगा आपका, फॉरेस्ट्री आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पशुपालन खुद ही लिखो, पशुपालन, मत्स्य पालन लिखो, मत्स्य पालन लिखो, मुर्गी पालन लिख दो, खनन लिख दो, उत्खनन लिख दो, यानी आप सीधे सीधे नेचर के साथ जहां पर क्या कर रहे हो, एक्टिविटीज कर रहे हो, वो क्या होंगे, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित होते हैं, और द्वितीयक क्षेत्र को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र, इनमें से कौन सा एक विनिर्माण क्षेत्र भी कहलाता है द्वितीयक क्षेत्र, यानी मैन्युफैक्चरिंग, इसी को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है, उद्योग इसी के अंदर आएंगे। तो द्वितीयक क्षेत्र की एक्टिविटीज लिखो आप तुरंत, विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य निर्माण, और इसके अलावा हस्तशिल्प निर्माण, इसके अलावा ऑटोमोबाइल का उत्पादन, कपड़ा उत्पादन, रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन, एरोसोल का निर्माण, ये सब के सब द्वितीय। तो विनिर्माण का मतलब प्रकृति से जो चीज़ आपको मिली थी उसको आपने उद्योगों में लगा के उसको कन्वर्ट कर दिया। क्या क्या लिखोगे इसमें, विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य निर्माण, हस्तशिल्प उद्योग, ऑटोमोबाइल उत्पादन, कपड़ा उत्पादन, रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन आदि, यानी सिंपल से जो इंडस्ट्री में जाके आपकी बन के आ रही है उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है। और इसमें गैस, जल वाला जो मैंने बताया था वो ध्यान रखना। तीसरा आता है बच्चों तृतीय, क्या तृतीय क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, लिखो कौन सा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, सेवा क्षेत्र, ठीक है। तृतीय क्षेत्र के अंदर क्या आएगा आपका, सेवा क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के अंदर तृतीय क्षेत्र, ये अपने आप में कहलाता है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, ठीक है, सर्विस सेक्टर। और इसके अंदर क्या आएगा, सेवा व उससे जुड़े हुए एक्टिविटीज, तो लिखो इसके अंदर लिखो व्यापार, संचार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सब के सब इसी के अंदर आएंगे, कौन सा, तृतीय या सेवा क्षेत्र के अंदर। क्वेश्चन क्या पूछता है, इनमें से कौन सा एक सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र का एग्जांपल नहीं है, तो क्या क्या लिखा आपने, व्यापार लिखो, संचार लिखो, परिवहन लिखो, बैंकिंग लिखो, बीमा लिखो, पर्यटन लिखो, स्वास्थ्य लिखो, शिक्षा लिखो आदि, ठीक है। ये सब के सब ऐसी चीजें हैं जहां पर आप पेड करके सर्विस लेते हो, तो तृतीय या सेवा क्षेत्र के अंदर क्या सम्मिलित किया जाता है, ये नहीं आएगा पेपर में, गलत कर जाओगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लिखो, श्रम बल के अंदर किसको आप शामिल करोगे, 15 से 59 साल के जो लोग होते हैं वो श्रम बल के अंदर आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, आप प्रछन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, क्या लिखोगे, प्रछन्न बेरोजगारी, प्रछन्न, ये 9th के इकोनॉमी कंप्लीट हो रही है, बेरोजगारी, प्रछन्न बेरोजगारी, ठीक है। इसके आगे लिखो, कम व्यक्ति, जिस कार्य को कम व्यक्ति कर सकते हैं परंतु उस पर अधिक व्यक्ति लगे हो, लेकिन उत्पादन में कोई भी चेंज ना आ रहा हो, यानी आप कम लोग उस काम को कर सकते हो लेकिन उस पर ज्यादा काम में लोग लगे हैं, लेकिन उससे जो है उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसको बोलते हैं प्रछन्न बेरोजगारी। जैसे किसी खेत में 10 किसान काम कर रहे हैं, उसकी उत्पादकता अगर 100 क्विंटल है, तो उसी खेत में अगर आपने 50 किसान लगा दिए और उसके बाद 100 ही क्विंटल उत्पादन हो रहा है, तो बाकी के जो 40 किसान है वो प्रछन्न रूप से बेरोजगार है, ठीक है। तो प्रछन्न बेरोजगारी की डेफिनेशन आपके पेपर में पूछ सकता है, लिखो, जब किसी कार्य को कम व्यक्ति कर सकते हैं परंतु उसी कार्य को अधिक व्यक्ति कर रहे हो लेकिन उत्पादन में कोई भी चेंज नहीं आ रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में प्रछन्न बेरोजगारी कहलाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, बेरोजगारी की परिभाषा भी आती कभी कभी पेपर में, बेरोजगारी, बेरोजगारी की परिभाषा लिखो, प्रचलित मूल्य दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार न मिलना, यानी मूल्य दर जो प्रचलित है उसमें कोई काम करना चाह रहा है। कई तो ऐसे होते हैं कि जिसको सैलरी कम मिलती है वो कहता है मैं काम नहीं करना चाहूंगा, वो बेरोजगार नहीं है। आप जिस रेट पे काम करना चाहते हैं उस रेट पे भी अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो आप क्या है, बेरोजगार है। तो लिखो, प्रचलित मूल्य दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार न मिलना ही क्या है, बेरोजगारी। अगले, ये जो प्रछन्न बेरोजगारी है किस क्षेत्र में मिलती है, कृषि क्षेत्र में, लिखो प्रछन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में मिलती है, कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट लिखो, मौसमी बेरोजगारी, मौसमी
बेरोजगारी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपने क्या लिखनी है, जब किसी खास फसली मौसम में रोजगार मिलते हैं, जब किसी खास, देखो ना कई किसान होते हैं फिक्स टाइम पे जैसे बरसात में इधर उधर वो काम करते हैं खेतों में, तो मौसमी बेरोजगारी, जब किसी खास फसली मौसम में क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, तो उसमें क्या होता है अपने आप में मौसमी बेरोजगारी होती है, ठीक है। और हमेशा याद रखना बच्चों, जो बेरोजगारी है, एक पॉइंट लिख लो, बेरोजगारी ये क्या होता है, एक तो अर्थव्यवस्था के मंदीग्रस्त होने का सूचक, मंदीग्रस्त का सूचक, यानी इकोनॉमी ऐसी पता चल जाती है कि मंदीग्रस्त है, क्योंकि उत्पादन वगैरह हो भी रहा होगा तो खरीदने वाला कोई नहीं होगा। दूसरा, ये अर्थव्यवस्था पे देयता बन जाते हैं, लायबिलिटीज यानी उधार बन जाते हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर, ये बोझ बन जाते हैं। तो सेकेंड पॉइंट लिखो, इसमें अर्थव्यवस्था हेतु देयता, अर्थव्यवस्था हेतु देयता होते हैं बेरोजगारी, लायबिलिटीज यानी आपकी बोझ बन गए, एक हिसाब से देने वाले बन गए आपको, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। मंदीग्रस्त का सूचक और देयता का सूचक होता है बेरोजगारी। प्रचंड बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में मिलती है, बेरोजगारी बता दी, मौसमी बेरोजगारी बता दी, ठीक है। इसके बाद ये था आपका इकोनॉमी का चैप्टर, 9th क्लास का फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर आपका पूरा हो गया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा अगर 9th क्लास से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं थोड़ा सा उत्तराखंड की ओर, और मैंने कहा कि उत्तराखंड ऐसी चीजें बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट आपकी रहेगी। उत्तराखंड लिखो आप लोग, क्या लिखोगे, उत्तराखंड पहला लिखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखो उत्तराखंड, उत्तराखंड ग्राम्य विकास और पलायन आयोग का गठन, ठीक है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास और पलायन आयोग का गठन, ग्राम्य विकास प्लस पलायन आयोग का गठन, ये हुआ था बच्चों अगस्त 2017 में, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है, सीएम होता है, अध्यक्ष लिख देना सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आपको, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन, उत्तराखंड अल्पसंख्यक, उत्तराखंड भी तो आती पेपर में आपकी, आयोग का गठन लिखो। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था अपने आप में 27 मई 2003 को इसने वर्क करना शुरू किया था, 27 मई 2003 को, ठीक है। और इसका जो विधेयक था, विधेयक यानी जो बिल बना था, विधेयक को जो मंजूरी मिली थी, यानी कब इसका विधेयक मंजूर हुआ था, ये हुआ था अपने आप में 19 जून 2002 को, यानी पहले बिल को मंजूरी मिली होगी कि हम ये बनाना चाहते हैं, और इसने वर्क करना शुरू किया 27 मई 2003 से। और इसके जो सदस्य होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल लिखो, सदस्य कार्यकाल ये होता है 5 वर्ष पद ग्रहण करने की तिथि से, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो सदस्यों की स्वीकृत संख्या है, सदस्य स्वीकृत 11 मेंबर इसमें सदस्य हो सकते हैं, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष अन्य 9, लेकिन वर्तमान में इसमें 10 सदस्य हैं, वर्तमान में कितने हैं, 10 सदस्य हैं इसमें, अधिकतम 11 हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखना आपको, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन, मोस्ट इंपोर्टेंट, 12 फरवरी 2004 को, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन 12 फरवरी 2004 को हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये पेपर में आ सकता है आपका। अगला बहुत न्यून बच्चों को आता होगा, उत्तराखंड लोक सेवा प्राधिकरण या न्यायाधिकरण, यानी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस जो अपने आप में अथॉरिटी है या ट्रिब्यूनल है, उसका गठन लिखना है 28 मार्च 2001 को, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, उत्तराखंड लोक सेवा प्राधिकरण या न्यायाधिकरण कर दो, प्राधिकरण या न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल बोलते हैं इसका, ठीक है। इसका गठन लिखना है आपको 28 मार्च 2001 को, 28 मार्च 2001 को इसका गठन हुआ था, और इसका जो सेंटर है वो देहरादून में ही अपने आप में है, ठीक है। अगला लिखना है, उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी भवाली जो है उसका गठन, उत्तराखंड न्यायिक प्लस विधिक अकादमी, जो जज वगैरह होते हैं ना उत्तराखंड राज्य के, उसको ट्रेनिंग के लिए होता है अकादमी, ठीक है। इसका बच्चों देखो, आधारशिला रखी गई थी इसकी, जो आधारशिला मतलब फाउंडेशन, ये 2004 में आधारशिला यानी इसकी जो फाउंडेशन रखा गया था, वो रखा गया था अपने आप में कब, जो 19 दिसंबर 2004 को, यानी इसको बनाने का जो फाउंडेशन था 19 दिसंबर 2004 को, और इसने वर्क करना शुरू किया, वर्किंग कब से हुआ, 2008 से, तो इसकी डेट होगी अपने आप में 14 जून 2008 से, ठीक है, 14 जून 2008 से इसने काम, दोनों क्वेश्चन अलग है, आधारशिला कब रखी गई और वर्किंग कब हुआ, ये दोनों अलग तरीके क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं, एक बचा है राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग, यानी उपभोक्ताओं का जो विवाद होता है उसके निवारण के लिए एक आयोग का गठन यहाँ पर किया गया है, उसका गठन लिखो, उत्तराखंड क्या लिखोगे, उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद कंज्यूमर के लिए, ठीक है, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रति
संतोष आयोग, इसका जो गठन हुआ है कंज्यूमर से संबंधित है 2002 में। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड, उत्तराखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड यानी उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड लिखो, उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड, इसका जो गठन हुआ है अपने आप में बायोडाइवर्सिटी 1 अप्रैल 2006 को क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। और ये 2011 व 2013 में इसका रिन्यू मतलब एक नए तरीके से इसको क्या किया गया गठित, 2011 व 2013 में पुनर्गठित हुआ है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन यही आएगा। और आज के दिन का अंतिम क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर का गठन 2006 में, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, विद्यालयी शिक्षा परिषद ये हुआ था 2006, कहाँ है रामनगर, हाई स्कूल इंटर जिसने यहीं से किया होगा उत्तराखंड बोर्ड से, वो इसी बोर्ड से हुआ है। ठीक है, ये था आपका डेमो क्लास पहले दिन का, जिसके अंदर उत्तराखंड के मेन क्वेश्चन जितने भी 8, 6, 7 जितने भी थे, ठीक है, क्योंकि सब चीज़ पेपर में आती है। इकोनॉमी में 9th क्लास के एनसीईआरटी का पहला दूसरा चैप्टर एंड है, हिंदी में वर्ण वाले का 90% कवर, कुछ क्वेश्चन और रहेंगे। अब सोचो 90 डेज तक इसी तरीके से अगर मैं आपको लेके चला तो आपकी गाड़ी कहाँ पहुँच जाएगी, तो रिस्क भी है और जुआ है एक प्रकार का, नहीं या पार भी लग सकती है, डूब भी सकती है। बता देना क्लास को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।